हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैंने आपको पढ़ाना है लेसन नंबर 2 आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो लॉ जो फॉलो करता है कोई भी सॉल्यूशन आइडियल बनने के लिए, एंड दैट इज रॉल्ट्स लॉ। फर्स्ट वी कवर द डेफिनेशन, द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। रॉल्ट्स लॉ कहता है, अच्छा रॉल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा आइडिया ले दूं आपको कि जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिस्पर्स हो जाता है कम्प्लीटली। अच्छा, अब हम क्या पढ़ें? अगर वन ऑफ द कॉम्पोनेंट सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, दैट इज लिक्विड। तो रॉल्ट्स लॉ के हवाले से ये बात सारी मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि अगर वन ऑफ द कॉम्पोनेंट इज लिक्विड, और लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप लिक्विड को किसी भी क्लोज कंटेनर में रखेंगे तो ये लिक्विड अपने वेपर्स बनाएगा, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन वेपर का ख़ास प्रेशर होगा, और वो प्रेशर कहलाएगा लिक्विड का वेपर प्रेशर, जो कि आप पहले पढ़ के आए काफ़ी डिटेल में। अब हम वेपर प्रेशर के हवाले से इस लॉ में डिस्कशंस देखेंगे। यानी किसी भी लिक्विड में अगर आप कोई और कंपोनेंट मिक्स करते हैं, तो उसके मिक्स होने से लिक्विड के वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, जिसको रॉल्ट्स लॉ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेगा। सो नाउ मैं आपको जब स्टेटमेंट पढ़ूंगी तो आपको कुछ जाना पहचाना सा लगेगा। रॉल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के ऊपर ये जो जगह है यहाँ पर जो इसके वेपर का प्रेशर है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब बात क्या हो रही है कि उस लिक्विड का जो अपना वेपर प्रेशर था वो, और उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यानी उसका तनासुब क्या है। मोल फ्रैक्शन मींस हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन हाउ मेनी मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैथमेटिकली हम इसको देखेंगे कि अगर हम पी से डिनोट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ नॉट नहीं आया था ये मैं लगा दूँ, और पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एम एब्सोल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब बात क्या हो रही है कि पी इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड हेयर पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का आपस में रिलेशन क्या बन रहा है? P is equals to P naught into X1, और X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी दोबारा मैं बताया आपको कि कितना सॉल्वेंट का मोल, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। सो हियर वी सी, हम अज्यूम करेंगे कि जिस कंडीशन में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर वी अज्यूम फर्स्ट दैट the if I represent that x1 is the mole fraction of solvent and x2 will be the mole fraction of solute, और इन दोनों की एक्सपेरिमेंटली कंडीशन ये है कि हम जिस भी कंडीशन में काम कर रहे हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाते हैं यूनिटी के, यानी या 1 ml आएगा या टोटल इसकी 1 g आएगी। सो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों कॉन्सेंट्रेशंस की जो एडिशन है ना, वो बराबर हो जाती है यूनिटी के। यानी अगर हमें x1 की वैल्यू पता है तो हम x2 की वैल्यू खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब दोबारा आ जाते हैं अपने रॉल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट पर, जो कि कहता है P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू X1, वेयर P इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड X1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। नाउ बाय इंटरप्रिटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
x1 from this equation. We put the value of x1. So the equation becomes this. यहाँ हमने x1 की वैल्यू डाल दी और कहाँ से डाली, हमें पता था कि x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो x1 की वैल्यू 1 माइनस x2, यानी उसको इक्वेशन साइड के दूसरे साइड पे ले गए. अच्छा, अब हम देखेंगे कि दिस पी नॉट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 टू गिव पी नॉट, एंड पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय x2 वी विल गेट पी नॉट x2. अब दोबारा इसको रीअरेंज करेंगे, पार्शियल प्रेशर्स को वन साइड पे कर देते हैं, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल्स टू पी नॉट एक्स टू. अगर यहाँ पर आप मेरे साथ आ गए हैं तो अब दोबारा एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं कि ये जो पी नॉट माइनस पी है ये हो गया चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो द चेंज और द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू पी नॉट इन टू एक्स टू. यानी एक और हवाले से हम रोल्स लॉ को स्टडी कर सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर. सो द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. पहले हमने इसको सॉल्वेंट के हवाले से पढ़ा था, अब हम सॉल्यूट के हवाले से पढ़ रहे हैं. यानी जितना ज़्यादा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा चेंज ऑफ उतना ज़्यादा ड्रॉप या डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट नज़र आएगा. अच्छा, अब इस इक्वेशन को दोबारा रीअरेंज करें, यानी P नॉट को डिनोमिनेटर साइड पे ले जाएं. फ्रॉम दिस इक्वेशन सो वी गेट डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल्स टू x2. यानी जितना ज़्यादा x2 क्या है बेटे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर आता चला जाएगा. अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम और भी कुछ कंडीशंस देखेंगे कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी. एंड दिस इक्वेशन शोज दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वॉट वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. इस बात को हम पहले भी समझ के आए हैं. जल्दी जल्दी हम तीन और बातें पढ़ लें कि रिलेटिव जो लोअरिंग है यानी कितना डिक्रीज आएगा वो किस पर फैक्ट पे डिपेंड करेगा. सबसे पहले जो लोअरिंग हुई है वेपर प्रेशर की वो इनडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर का इसमें कोई रोल नहीं है. दूसरा, वो डिपेंड है अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. यानी यह ख़ास चीज़ क्या है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट, यानी सॉल्वेंट पे आपने कितना सॉल्यूट डिजॉल्व किया है, ये बड़ा मैटर करता है. तीसरा पॉइंट, ये जो लोअरिंग है ये कांस्टेंट है, वन इक्वी मोलर प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड. यानी फर्स्ट करें, अगर आपने 1 मोलर H2SO4 डिसॉल्व किया है, या फिर आपने 1 मोल शुगर डिसॉल्व किया है C6H12O6, या फिर आपने 1 मोल सक्रोज डिसॉल्व किया है C12H22O11, सो आपने जो भी कॉम्पोजिशन ली है ना, ये इफेक्ट उससे सेम आ रहा है. अगर आपका नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है सॉल्यूट का, सो फिर आपका वेपर प्रेशर में जो ड्रॉप आया है वो भी सेम होगा. नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको तैयार करेंगे, इससे पहले हम एक दफ़ा देख लें कि वेयर वी कैन अप्लाई दिस स्टडी. रोल्स लॉ कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट्स एंड देयर वेपर प्रेशर बिफोर मेकिंग द सोल्यूशन एंड आफ्टर मेकिंग द सोल्यूशन. यानी यहाँ पर हम दो कॉम्पोनेंट्स जिसमें से कोई एक भी लिक्विड फेज में है और जो कि लिक्विड वॉलेटाइल है, या दोनों कॉम्पोनेंट्स वॉलेटाइल हैं, हम दोनों की कंडीशंस में उसकी आइडियलिटी चेक कर सकते हैं. अच्छा, अब हम देखते हैं एक और एप्लीकेशन रोल्स लॉ की, व्हेन बोथ ऑफ द कॉम्पोनेंट्स आर वॉलेटाइल. अच्छा, अब आप देखो कि सपोज अगेन वी हैव टू कॉम्पोनेंट्स ए एंड बी. रोल्स लॉ के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लिक्विड ए, ओके आई राइट इट फॉर यू ताकि आपको अच्छा समझ में आए. सपोज वी हैव टू कॉम्पोनेंट्स ए एंड बी. अब जो कॉम्पोनेंट ए है
उसका जो मोल फ्रैक्शन है फर्स्ट करो वो एक्स ए है हम डिनोट करेंगे, और जो कंपोनेंट बी है उसका मोल फ्रैक्शन हम एक्स बी से डिनोट करेंगे। इसी तरह इन कंपोनेंट्स के जो इनिशियल पार्शियल प्रेशर्स हैं, लिक्विड ए का जो पार्शियल प्रेशर एब्सोल्यूट होगा यानी बिफोर मिक्सिंग इन प्योर स्टेट वो होगा पी नॉट ए। इसी तरह लिक्विड बी के लिए जो एब्सोल्यूट उसका प्योर स्टेट में जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट बी, राइट। और ये दोनों प्योर स्टेट में है यानी बिफोर मिक्सिंग, ओके। और जब आप इन दोनों को मिला लेंगे तो जो इनका प्रेशर चेंज होगा यानी ड्रॉप होगा वो लिक्विड ए के लिए हो जाएगा पी ए और लिक्विड बी के लिए हो जाएगा पी बी। ये सॉल्यूशन के लिए है, राइट, यानी ये चेंज्ड है। अच्छा, अब रॉल्स लॉ के मुताबिक हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज को। याद रखिएगा कि दिस इज द सॉल्यूशन इन विच बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी आर वॉलेटाइल, यानी वो अपने वेपर्स बनाने के काबिल हैं। ओके, रॉल्स लॉ के मुताबिक कंपोनेंट ए के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू द पी नॉट ए इंटू एक्स ए, एंड कंपोनेंट बी के लिए प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट विल बी एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ लिक्विड बी एंड मोलर फ्रैक्शन ऑफ पी बी। अब हमें पता है कि जब दो लिक्विड्स मौजूद होंगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी किसी भी कंटेनर में मिक्स होंगे, तो जब ये वेपर्स बनाएंगे, चूंकि बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल, तो फिर हमें नज़र आएंगे कि वेपर्स ए के भी बने हैं और वेपर्स बी के भी बने हैं, यानी जो भी वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन पर होगा वो ए का भी होगा और बी का भी होगा। पार्शियल लॉ ऑफ प्रेशर को जो हमने पढ़ा था वहाँ पर हम अप्लाई करें तो जो टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा सॉरी टोटल प्रेशर होगा वेपर्स का वो बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी से, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बोथ ऑफ द प्रेशर्स वी विल गेट पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट। वी नो दैट वी आर वर्किंग इन अ कंडीशन इन विच बोथ ऑफ द मोलर फ्रैक्शंस गिव अस द एडिशन आंसर यूनिटी। सो बाय पुटिंग द बाय बाय हैविंग दिस इक्वेशन वी कैन गेट द मोलर फ्रैक्शन ऑफ बी। सो ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है। सो एक्स बी की जगह हमें एक्स ए नज़र आ रहा है क्योंकि एक्स ए को हम इन टर्म्स ऑफ एक्स बी स्टडी कर रहे हैं, राइट। सो इक्वेशन गोज इनटू दिस फॉर्म पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ये 1 माइनस एक्स ए हमने क्या पुट किया है, ये हमने एक्स बी की वैल्यू पुट की है इस इक्वेशन में से, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग हम इनको रीअरेंज करते हैं और पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ये हमने इसलिए किया है ताकि इन दोनों वैल्यूज में से हम कॉमन निकाल सकें जो कि एक्स ए है। सो हम एक्स ए को कॉमन लेते हैं और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाता है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, ओके। एक इस इक्वेशन से आगे आते हैं। सो अब हमें नज़र आ रहा है कि इफ बोथ ऑफ द सॉल्वेंट्स आर वॉलेटाइट देन टोटल पार्शियल प्रेशर होगा वो आपका सॉल्यूट का दोनों सॉल्यूशंस के पार्शियल प्रेशर के एडिशन के बराबर होता है। एक चीज़ अब इसमें हम नहीं ऐड करते हैं, जो लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अगर ऐसा होता है, जो कि यकीनन कोई दोनों लिक्विड सेम तो नहीं है, किसी एक का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा दूसरे का लो होगा, तो सपोज हमारी कंडीशन के मुताबिक लिक्विड ए एज लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लिक्विड बी हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसका क्या असर पड़ता है बच्चों, अगर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम है या लो है या हाई है सॉरी, तो इसकी वजह से इसके वेपर प्रेशर बनने की क्या वैल्यू क्या वैरी करती है। रिमेंबर दैट अ लिक्विड हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट हैज़ मोर हाई
वेपर प्रेशर, बिकॉज वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और वो जल्दी अपने वेपर्स बनाता है, और वेपर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है क्योंकि उसका क्वांटिटी ज़्यादा है, और वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसका वेपर प्रेशर लो होता है. अब हम इस सॉल्यूशन को एक ग्राफ स्टडी करते हैं बिटवीन द कंपोजिशन एंड द वेपर प्रेशर. सो हियर वी सी के दोनों की कॉन्सेंट्रेशन शो हो रही हैं आपके एक्स एक्सिस पर, जिसको आप कंपोजिशन पर मोल फ्रैक्शन भी पढ़ सकते हो, ठीक है. और एक्स वाई एक्सिस पे हमने इसका वेपर प्रेशर प्लॉट किया है. सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. जब हमारे पास लिक्विड बी की कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है, यानी उसका मोल फ्रैक्शन ज़ीरो है, एंड रिमेंबर दैट लिक्विड बी इज़ दैट विच हैज़ गॉट हाई बॉइलिंग पॉइंट, राइट. एंड लिक्विड ए जो है वो हमारा सॉल्वेंट के तौर पे फर्स्ट करो हमने लिया है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन अभी मैक्सिमम है. सो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन बनाने के लिए लिक्विड बी का कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आप नोट करो कि फ़र्क क्या पड़ता है. सो बाय एडिंग द लिक्विड बी वी आर गेट एवरी टाइम वी आर गेटिंग हाई value or increasing value of vapor pressure unless or until it reaches the absolute pressure of liquid B. बिल्कुल इसी तरह before mixing जो vapor pressure जो show हो रहा है liquid A का वो maximum है, वो उसका absolute है, और जैसे जैसे हम इसमें liquid B add करते जा रहे हैं तो Raoult's law के मुताबिक इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है, जो कि होता है. अब अगर हमको स्ट्रेट लाइन्स मिलती हैं तो समझें आपका ये आइडियल सॉल्यूशन है. ये एक और तरीका है जो मैंने आपको कंडीशन नंबर 4 पढ़ाई थी ना, कि इफ़ एनी सॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन इज़ ओबेइंग द रॉल्ट्स लॉ मींस द सॉल्यूशन इज़ आइडियल. सो यहाँ पर अगर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं और आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है चेंज ऑफ वेपर प्रेशर का, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन आइडियल है, यानी यहाँ पर भी सॉल्यूशन आइडियल है. अब ये इंक्रीज और डिक्रीज होते होते इमेजिन करें वी हैव सम पॉइंट जी. इस पॉइंट जी के लिए जो कंपोजिशन जो मोलर फ्रैक्शन है वो बी के हिसाब से 30% है और सॉल्वेंट के हिसाब से 70% है. अब बात गौर से सुनने वाली है. ये जो पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विद 30% मोल्स मोलर कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट बी इज मिक्स्ड विद द 70% मिक ऑफ द कंपोनेंट ए. सिंस ए इज मोर वॉलेटाइल, याद रहे कि ए का बॉइलिंग पॉइंट लो था, यानी वो ज़्यादा वॉलेटाइल था. सो इसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाई पी ए. Now the contribution of the less volatile component B is represented by PB. Similarly, हम calculate कर सकते हैं relative contributions of A and B towards the total vapor pressure of the solution by adding their pressure at any point. यानी जब हम total vapor pressure को solution को calculate करना है, total vapor pressure हमने किससे represent किया था, last slide पे हमने उसको PT किया था, and that will be the addition of PA plus पी बी. सो इस कंडीशन तक अगर हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पोनेंट ए भी नज़र आ रहा है और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पोनेंट बी भी नज़र आ रहा है. यानी ये ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करता है रॉल्ट्स लॉ को बाई फॉलोइंग ऑल द कंडीशंस एज आइडियल सॉल्यूशन. इतना नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे लास्ट लेसन के लिए, दैट इज़ अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी कर्व्स. एक्सप्लेनेशन ज़्यादा टाइम लेता है, मगर मुझे पता है आप सब बड़े स्मार्ट माइंडेड हैं, आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर लर्निंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, एंड दिस अंडरस्टैंडिंग विल सेव योर टाइम इन फैक्ट. सो इतना समझ लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला लेसन आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना आसान हो जाए. चैनल को वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स देते हैं. और इम्प्रूवमेंट के लिए मेरी कोशिश रहती है कि नेक्स्ट लेसन आपको इससे भी बेहतर तरीके से मैं डिलीवर करूँ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.